इस टॉपिक में मैं फिर से बात करूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी पी वेव के बारे में, पी वेव इन डिटेल। ईसीजी में हमें बहुत सी टॉपिक्स पे बात करनी है, बहुत सी हार्ट रिलेटेड डिजीज़, हार्ट कंसर्निंग पैथोलॉजी पे बात करनी है। तो उससे पहले मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बेसिक्स जो है आप लोगों को बताऊं, ताकि आप आने वाले टॉपिक्स को बहुत आसानी से समझ सकें और ईसीजी इंटरप्रिटेट करने की स्किल आप में वो आपको आ जाए, ताकि आप इस ईसीजी को देख करके आप ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद समझ सकें सारी बातों को। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्मल पी वेव होती है वो देखने में स्मूथ काउंटर होती है, लीड टू में वो मोनोफेजिक होती है, लीड V1 में वो बाईफेजिक होती है, और इसकी जो टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन, वो होती है लेस देन 0.12 सेकेंड्स और लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। और मैंने ये भी बताया था कि पी वेव एट्रिया के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और मैंने ये भी बताया था कि जो हमें ईसीजी स्ट्रिप पे जो पी वेव नज़र आती है, हकीकत में उसमें दो पी वेव छुपी होती हैं जो फाइनली एक स्मूथ काउंटर वाली पी वेव बनाती हैं। तो आप इसमें देखें कि ये जो पी वेव है ये डिपोलराइजेशन ऑफ राइट एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लीड टू में पी वेव मोनोफेजिक होती है, एक ही फेज है, लीड टू है, इसमें पी वेव क्या है, मोनोफेजिक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, पी वेव इज ऑलवेज पॉजिटिव इन लीड टू। ठीक, लीड टू में पी वेव हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। इफ द रिदिम इज साइनस रिदिम, साइनस रिदिम मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, वो साइनो एट्रियल नोड से हो रहा है। लेकिन द पी वेव डिस्प्ले टू हम्स, 1-2 एज शोन हियर, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एट्रिया आर नॉट डिपोलराइज और एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली। ये दो हम्स इस बात पे इशारा कर रहे हैं, इस सच्चाई के बारे में बता रहे हैं कि ये जो दोनों एट्रिया है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये एक ही समय में दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम डीले होता है, पहले राइट एट्रियम डिपोलराइज होता है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइज होता है, लेकिन ये दोनों हम्स कलेक्टिवली ज्वाइंट होते हैं और एक हमें स्मूथ काउंटर वाला पी वेव देते हैं। ठीक है, लीड V1 में द पी वेव इन लीड V1 मे बी बाईफेजिक, दो फेज हैं। ठीक, ये है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ये बाईफेजिक क्यों है, पी वेव लीड वन में, V1 में बाईफेजिक क्यों है, ड्यू टू द निगेटिव डिफ्लेक्शन कॉस्ड बाई डीपोलराइजेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जब डीपोलराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर है इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई वेव ऑफ डिपोलराइजेशन लीड की तरफ जाता है, ठीक है, V1 में वेव ऑफ डिपोलराइजेशन
जब लीड की तरफ जाता है तो हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, और जब वेव ऑफ डिपोलाइजेशन या इलेक्ट्रिकल वेक्टर, ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वी वन, तो हमें निगेटिव वेव मिलती है। ये है टिपिकल ईसीजी ग्राफ, ये है वी वन लीड। यहाँ पे आप देखें बाईफेजिक है, फर्स्ट अपर डिफ्लेक्शन है पॉजिटिव वेव जो रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन ऑफ राइट एट्रियम, और एक वेव है नीचे की तरफ निगेटिव डिफ्लेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ये वेव जो है वो लीड की तरफ जा रही है इसलिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और ये वेव नीचे वाली लीड से दूर जा रही है इसलिए निगेटिव डिफ्लेक्शन है। पैथोलॉजी ऑफ पी वेव मतलब एबनॉर्मल पी वेव। एबनॉर्मल पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल इनलार्जमेंट्स, ठीक है, इट कुड बी राइट एट्रियल इनलार्जमेंट और इट कुड बी लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। पी माइट्रेल, एम फॉर माइट्रेल, ठीक है, एम शेप पी वेव, पी माइट्रेल, ठीक है। पी माइट्रेल इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियम एट्रियल इनलार्जमेंट। पी वेव किसका परिणाम है? लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट का परिणाम है। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट अक्सर किसकी वजह से होता है? माइट्रल एस्टिनोसिस की वजह से होता है। माइट्रल एस्टिनोसिस का मतलब होता है जो माइट्रल वॉल्व है, जो बाईकस्पिड वॉल्व है, उसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गई है। ल्यूमेन क्या हो गई है? नैरो। नैरो मीन्स पतली हो जाना, है ना, छोटा हो जाना ल्यूमेन का, ठीक है। और इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, जब लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट हो जाता है तो क्या करता है? एम्प्लीफाइज इस कंट्रीब्यूशन टू द काउंटर ऑफ पी वेव। जो पी वेव का काउंटर था, दो पी वेव मिलकर जो कंट्रीब्यूट करके एक स्मूथ काउंटर वाली पी वेव बना रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ? उस काउंटर में अल्ट्रेशन आ गया, ठीक है। तो जोन ऑफ अल्ट्रेशन कितना है ये आप देख लें, ये जो है नॉर्मल वाली डॉट है उसको ऐसा रहना चाहिए था, ठीक, लेकिन अल्ट्रेशन आ गया, एम्प्लीफाइज इनलार्जमेंट, बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। अगर हम लीड टू में देखेंगे तो इनहेंस सेकेंड हम इन लीड टू, ठीक है, इनहेंस सेकेंड हम इन, ये सेकेंड हम्प है, ये वाला, ये फर्स्ट हम्प है यहाँ से यहाँ तक और ये सेकेंड हम्प है यहाँ से यहाँ तक, इनहेंस बढ़ोतरी हो गई। कितनी बढ़ोतरी हुई है देख लिए आप, इतनी बढ़ोतरी हो गई है। तो ये क्या है? जोन ऑफ इन्हेंसमेंट है। अगर हम वी वन में देखेंगे, किसके केस में? तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट के केस में वी वन लीड क्या दिखाएगी हमें? इस तरह का ग्राफिकल इमेज मिलेगा हमें ईसीजी स्ट्रिप में, और यहाँ जोन ऑफ इन्हेंसमेंट कितना है? यहाँ तक, ये जोन ऑफ, ये है जोन ऑफ इन्हेंसमेंट, और ये जो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल वॉल्व कहाँ होती है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। आप हार्ट का जब एनाटोमी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको दिमाग में आ जाएंगी। सो इन द केस ऑफ लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट द पी वेव इज वाइडर देन नॉर्मल, ओके, वाइडर देन नॉर्मल विथ ए नॉच। ये क्या है? नॉच है, नॉच। एंड द मेन रीजन ऑफ दिस नॉच
is due to mitral stenosis. So in the case of left atrial enlargement, lead to represent enhanced second hump in, ठीक है, enhanced second hump और enhanced second negative deflection in V1. Now in the case of right atrial enlargement, the P wave is taller than normal. The P wave is taller than normal. P pulmonale, tall P wave is refers to as pulmonale, P pulmonale. Right atrial का परिणाम है tall P wave, है ना? और this is often a consequence of pulmonary valve stenosis. ये किसकी वजह से होता है? पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस. जो पल्मोनरी वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व जो है उसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है, ठीक है. लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट में माइट्रल स्टेनोसिस हो रहा था, माइट्रल वाल्व की ल्यूमेन नैरो हो रही थी. राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट में पल्मोनरी वाल्व की ल्यूमेन नैरो हो रही है और इंक्रीज रेजिस्टेंट इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक, जब नैरो होता है ल्यूमेन पल्मोनरी वाल्व का तो यहाँ पे क्या करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रतिरोध बढ़ा देता है, है ना, जद्दोजहद करना पड़ता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है. इन्लार्जमेंट ऑफ द राइट एट्रियम कॉस्ट एज इंक्रीज पी वेव एम्पलीट्यूड इन बोथ लीड्स, ठीक है. तो लीड टू में हमें टॉल पी वेव मिलेगा और लीड वी वन में भी हमें टॉल पी वेव मिलेगा. तो इन्हेंस जोन कितना है, यहाँ तक, ये है इन्हेंस जोन. लीड टू में, लीड वन में, वी वन में ये है इन्हेंस जोन. हमेशा याद रखेंगे लीड टू बाईपोलर लीड है, ठीक है, और लीड वी वन यूनिपोलर लीड है. लीड टू लिम्स लीड है, लीड वी वन चेस्ट लीड है, ठीक है. आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है लीड्स के बारे में तो मेरा एक वीडियो है द बेसिक ऑफ 12 लीड्स ECG, उसको देखें, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस क्या करता है, ये क्या करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को पैदा करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करता है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, और जिसकी वजह से हमें ECG स्ट्रिप में हाई एम्पलीट्यूड वाली पी वेव मिलती हैं लीड टू में भी और लीड वी वन में भी. तो टॉल एंड पीक पी वेव हमें मिलती हैं राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट में और नॉच वाली पी वेव, एम शेप वाली हमें मिलती हैं एम शेप वाली पी वेव लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट में. ये होता है माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, ये होता है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.